हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कल हमने हिंदी में पढ़ा था यौ से यज्ञ से शौ से सर्जम तक। आज हम पढ़ेंगे शौ से षट्कोण से ज्ञ से ज्ञानी तक। शौ से षट्कोण, षट्कोण मीन्स षट मीन जिसकी छह कोण हो, जिसकी छह भुजाएं हो। तो इसमें कितने कलर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 कलर हैं। और कितने कोण हैं इसके? 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसको षटकोण कहते हैं। फिर है स से सपेरा और सौ से संतरा। फिर है हौ से हाथी, हाथी राजा बहुत बड़े। हौ से हाथी और हौ से हथौड़ा। फिर है अक्ष से क्षत्रिय और क्षेत्र। क्षेत्र माने जगह, जो हमारे पास जगह है जहाँ पे हम घर बनाते हैं या फिर हमारी खेती होती है या बगीचे होते हैं। और क्षत्रिय जो लड़ने के लिए जाते हैं उनको कहते हैं क्षत्रिय, जो देश की रक्षा करते हैं। फिर है त्र से त्रिशूल और त्र से त्रिभुज। तीन भुजाएं जिसकी होंगी उसको क्या कहेंगे? त्रिभुज। ज्ञ से ज्ञानी, जो बहुत होशियार होता है, जिसको बहुत सारा ज्ञान होता है। और ज्ञ से ज्ञापन। ठीक है, एक बार फिर से हम पढ़ेंगे इसको। ष से षटकोण, स से सपेरा, स से संतरा, ह से हाथी, ह से हथौड़ा, अक्ष से क्षत्रिय और क्षेत्र, त्र से त्रिशूल और त्रिभुज, ज्ञ से ज्ञानी और ज्ञ से ज्ञापन। इसको पढ़ने के बाद हम कुछ लिखने का काम करेंगे। क्या लिखेंगे? अक्षर श से ज्ञ तक लिखो। श से क्या था? षटकोण। और स से सपेरा, ह से हथौड़ा और हाथी, अक्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल और ज्ञ से ज्ञानी। तो ये आपको अपनी हिंदी की जो आपकी नोटबुक है उसमें आपको ये लिखना है। ठीक है, बाय बच्चों।